केवल और केवल टाइम नोट कर लो, 15 मिनट दिए हैं आप लोगों की, कितने मिनट? 15 मिनट, और 15 मिनट पूरी की पूरी वसूल करेंगे हम, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं ना, जो करना चाहता है वो समय देता है और उसी के पास समय होता है, बात सही है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज आपके पास जो एज है, इस एज में आपके पास एनर्जी है 100%, कितनी एनर्जी है? टाइम कितना है? टाइम भी है 100%, लेकिन मनी कैसी है? क्योंकि वो पापा से लेनी पड़ती है, ऐसा ही है। जैसे जैसे थोड़ी सी आपकी एज आगे बढ़ जाएगी ना, तब आपके पास मनी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस समय आपके पास टाइम कैसा हो जाएगा? 50%। कैसा हो जाएगा? 50%, क्योंकि भाई साहब जॉब करनी पड़ती है, जब वहां से पैसा आता है तो थोड़ा बहुत समय बचता है, उसमें आपको कुछ देखना पड़ेगा। और जब बूढ़े हो जाएंगे पता है क्या होगा, मनी कितनी होगी? 100%, क्योंकि पूरी जिंदगी जब मेहनत करोगे तो पैसा तो जुड़ेगा, लेकिन उस समय आपके पास क्या नहीं होगा? एनर्जी। उसके पास समय पे आपके पास एनर्जी लेवल नहीं होगा, तो आपके सामने पैसे भी रखे होंगे, आप खर्च करना चाहते होंगे, लेकिन आपको और थोड़ी सी बीमारियां पीछे पड़ जाना, तो इसलिए जो समय मिलता है उसमें हर चीज का बैलेंस करना आपको आना चाहिए, और लाइफ बैलेंस का ही नाम है। बात समझ आई? शैतानी करो तो इतनी करो लिमिट में भाई, ओवर करोगे तो शैतान कहलाओगे ना, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अभी आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का भी, तो 12th का पढ़ के तो थोड़े से और होशियार हो गए। फाइनेंस को कहां लगाते हो? मार्केट में। कहां से निकलता वो पैसा? घरों से, घर से निकल कर जाता है मार्केट में, मार्केट से जाता है फर्म में, फर्म बदले में पैसा वापसी करती है। क्यों वापसी करती है? क्योंकि आप लोगों ने या तो शेयर खरीद रखा है या फिर खरीद रखा है डिबेंचर। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में केवल दो सोर्सेज की बात चलेगी आपकी, कौन सा वाला? एक है आपका ऑनर फंड और एक है आपका बोरोड फंड। बात समझ आ रही? ऑनर फंड का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो शेयर। क्या मतलब है? शेयर। शेयर दो तरीके से होते हैं बेटा, एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। रख लो, इक्विटी 10 रुपए का होता है, प्रेफरेंस कितने का होता है? 100 रुपए का होता है। ये शेयर के तरीके हैं जो अभी धीरे धीरे आगे हम पढ़ाते चले जाएंगे। बोरोड फंड का मतलब है केवल और केवल डिबेंचर। क्या है? या फिर और कोई लोन। क्या लिया आपने पैसा? लोन पर उठाया मार्केट से। इन्हें हम अपनी कंपनी का क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और शेयर होल्डर क्या होते हैं कंपनी के? वो कंपनी के ऑनर होते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस से उनको क्या मिलता है? अभी बताया, डिविडेंड। वेरी गुड बेटा, क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिबेंचर पे क्या मिलता है? डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है? आपने पैसा लगाया, कंपनी ने आपको इंटरेस्ट दिया, और उस पे भी रेट फिक्स होता है, जैसे 9% डिबेंचर, यानी इस डिबेंचर पे आपको 9% का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट बदले में मिलेगा। तो ये आपकी बुक होगी, इस बुक में सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि बिजनेस फाइनेंस है क्या, और बिजनेस फाइनेंस कहाँ यूज किया जाता है? बिजनेस मार्केट में यूज किया जाता है। पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट? मार्केट किस तरीके से पढ़ाई? दो तरीके से पढ़ाई थी मार्केट, कौन कौन सी थी? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो ये ऑनर फंड आप बात कर रहे हो ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं किया जाता, लंबे समय के लिए पैसा लिया। ठीक, आगे चलिए, एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखना, कौन सी वाली? बिजनेस फाइनेंस। रट लो, मेहनत करो इसे। बिजनेस फाइनेंस है क्या? आप लोगों को पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन लिख के आना है ना, मैं वो समझाऊंगा। अभी तो नोट्स पढ़ा दिया, एक वीडियो बना के भेज दूंगा, यदि ये क्वेश्चन पेपर में आया तो उसको कैसे लिख के आओगे, वो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, उससे आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिजनेस फाइनेंस, तो यहाँ पे लिखो बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल फंड की और
क्रेडिट फंड ही, जो हमने इन्वेस्ट किया है, कहां पर इन्वेस्ट किया बेटा, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मींस मेकिंग मनी विद द अवेलेबल रिसोर्सेस। व्हेन इट इज नीडेड, और फाइनेंशियल का मतलब है, यानी फाइनेंस का मतलब है आपको पैसे को अरेंज करना है। मैंने अपनी कंपनी खोली, मैं लगा पड़ा हूं, मुझे चाहिए थे पैसे, पैसे कहां से अरेंज करूं, एकदम तो पैसा नहीं मिलेगा ना भाई। तो पैसा कमाने का तरीका बता दिया कि एक काम करो, शेयर इशू कर दो। जब आप लोग कंपनी बन जाओगे तो लिस्टेड कंपनी बनोगे, लिस्टेड कहां पे बनोगे, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बनोगे, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज अलग है, बंगाल का अलग है, सुना है निफ्टी, निफ्टी बैंक चलता रहता है, एक होता है बॉम्बे वाला शेयर मार्केट जो सेंसेक्स चलता है। तो ये सब तरफ के अलग अलग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहां पर लिस्टेड हो जाते हैं, वो कंपनी वहां पर लिस्टेड कंपनी बन जाती है। और एक होती है सेबी, कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये राइट देती है कि हाँ आप शेयर इशू कर सकते हो। हर कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, बात समझ आई, हर कोई कंपनी नहीं कर पाएगी, जो लिस्टेड है जिसको रिकॉग्निशन मिली हुई है वो कर पाती है। तो ये लाइन तो आपको याद रखनी है, बिजनेस फाइनेंस है क्या, इट्स रेफर्स टू द कैपिटल फंड एंड द क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हियर द फाइनेंसिंग मींस मेकिंग मनी विद द अवेलेबल रिसोर्सेज व्हेन इट इज नीडेड। पक्का यहां तक समझ आ गया? Yes. उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आइए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। तो पहला टॉपिक तो बन गया आपका ये, दूसरा आपको लिखना है, लिख लीजिए उसको, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो हमें याद हो ही गए, कौन सा वाला है, ऑनर फंड, और एक हो गया हमारा बोरोड फंड। लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तो जल्दी कवर कराना है ना। अब थोड़ा सा ऑनर फंड के बारे में समझने की बात आई, ये क्या समझाना चाह रहा है। तो पहली बात, मेन फीचर्स लिखो, मेन फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ ऑनर्स फंड। ये जो ऑनर्स फंड है उसके मेन फीचर क्या क्या है, तो पहला, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। आपको क्या मिल जाती है इससे, एक परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। मैंने बताया ना, ये शॉर्ट मार्केट का काम नहीं है, ये लॉन्ग रन के लिए होता है। शॉर्ट मार्केट किस में करते हैं, मनी मार्केट में, यानी शेयर किस में यूज करते हैं, कैपिटल मार्केट में, जिसमें मैंने लिखवाया भी है प्राइमरी और सेकेंडरी, डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट मतलब उधार, यानी कि डिबेंचर लोन, ठीक है। तो सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। भाई मुनाफा है तो घाटा भी है, ठीक है, कोई शेयर ऐसा भी था, ज्यादा किसी की बात नहीं, पेटीएम का शेयर एक समय 1500-1600 रुपए का बिक रहा था, फिर सीधे गिरते गिरते 900 रुपए पहुंच गया, यानी कि एक शेयर पे 600 रुपए घाटा। अब जिसने खरीद रखा है वो इस उम्मीद में कि ये कभी 1500 पार करेगा, यानी 1.5 लाख रुपए यदि किसी ने लगाए तो उसके इस समय 90,000 रुपए रह गए। अब वो तो ये सोचेगा ना 1.5 से 1.60 भी हो जाए या 1.51 हो जाए, बिक जाए तो लंबे समय तक ये रख सकता है, ये लॉन्ग टर्म है, बस में जाए। लेकिन जो कॉमोडिटी मार्केट होती है वो कैसी होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फरवरी तक की है, 4 महीने की हो गई, तो वो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। लॉजिक समझ आया। तीसरा, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्यों, तुम कंपनी के क्या बन जाते हो, ऑनर बन जाते हो, मालिक बन गए ना, फिर क्या सिक्योरिटी चाहिए। फिर दूसरा, चौथा पॉइंट, सोर्स ऑफ ऑनर फंड। इससे क्या बनता है, सोर्स ऑफ ऑनर फंड बनता है। और ऑनर फंड का सोर्स क्या क्या है, शेयर कैपिटल, क्या भैया, शेयर कैपिटल, साथ में रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग।
पॉइंट समझ आ गया? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जुड़ा हुआ प्रॉफिट, गुड बेटा। मान लो आपने 2006 में पैसा कमाया और 2006 से लेके आज के आ गया 2021-22 चल रहा है, तो 2022 तक जो तुमने पैसा लगाया है वो सारा पैसा जो इकट्ठा करा हुआ है वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। क्या है वो? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। अभी छोटे से लिख दिया, इसे ही आप याद कर लोगे ना जब, तो आपको खुद आइडिया लगता चला जाएगा केस स्टडी का। तो इतनी हार्ड नहीं है पढ़ाई, लेकिन हमने बना रखी है। फिर क्या आ गया मेरे भाई? बोरोड फंड। क्या आ गया? बोरोड फंड। देखिए बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। किसकी बात चलती है ये बात चलती है बोरोइंग ऑफ द फर्म, यानी जो आपने बोरोड किया हुआ है। इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल, जो भी फंड आपके पास अवेलेबल है बाय वे ऑफ लोन्स और क्रेडिट। और कैसे है भाई? उधार। भैया जिसकी क्लास निकली हुई है अकाउंट्स की, आप दोनों भाई, मैंने आपको एक वीडियो का एक सेट भेजा हुआ है, आप उसे देखते चलो, धीरे धीरे अपने आप पक्की हो जाओगे। क्रेडिट माने क्या होता है? उधार लेना। तो ये लोन की बात चल रही है ना, तो आपने उधार लिया है पैसा। अब ये किस टाइम के लिए होता है भैया? एक लिमिटेड टाइम होगा, फिक्स टाइम। आप किसी को मालिक बना रहे हो तो अनलिमिटेड समय के लिए है, लेकिन किसी से लोन लोगे तो टाइम पीरियड देगा ना कि भाई कितने दिनों का, भाई 5 साल के लिए है भाई देख ले, तो वो टाइम पीरियड होता है। क्लियर? फिर आती है सिक्योरिटी। अच्छा इसके उल्टा चल रहा है, यहाँ नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है, वो सेव ही देता है उसको। फिर रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग उसको रेगुलर पेड करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और सोर्सेस बता रहा है कौन कौन से होते हैं, सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड। तो बोरोड फंड के जो सोर्सेस हैं वो आएंगे आपके, सबसे पहला तो डिबेंचर, फिर आएगा लोन फ्रॉम, कहां कहां से ले सकते हो? बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से, और इंट्रा कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट का मतलब हो गया जो मार्केट से आप लोन उठाते हो ना, मॉर्गेज, वो सब। भैया बात समझ आ गई? 100% आने वाला क्वेश्चन है ये वाला। डिफरेंस लिख लीजिए, इनको मिलाकर लिखने के लिए आएगा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑनर और बोरोड फंड। उसे लिखवाने की जरूरत नहीं है, उसके बेसिस को लिखवाना बहुत जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है भाई? बेसिस, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं डिफरेंस तो लिखे आते हैं, उसके बेसिस लिख के आते नहीं है, फिर वो सोचते हैं कि नंबर नंबर का पूरे आएंगे, हम तो डिफरेंस लिख के आए हैं भैया, फिर क्या होते हैं नंबर कट जाते हैं, फिर वहीं से एक सैड स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। बताओ क्या करें भैया? तो भैया इसको सवाल वैसे करोगे, इसकी ट्रिक बना लो, MTSC SRR, जैसे तुमने पढ़ी ना RRR, ऐसी MTSC RRR। अब इसके डिफरेंस का पॉइंट याद कर लो, पहले में लिखिए MTSC RRR। भैया उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट याद करेंगे कि जो पहला M है MTSC SRR, एम का मतलब है मीनिंग, क्या है भाई? मीनिंग। फिर टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम, सिक्योरिटी लिखते चलो बेटा आप। क्या पहला मीनिंग, टाइम और सिक्योरिटी, फिर बात आती है कंट्रोल, हाँ उसे हम कंट्रोल दे देते हैं, उसे राइट नहीं देते हैं कंट्रोल करने का। जो ऑनर होगा वो बिजनेस को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब जो ऑनर नहीं है क्या उसे हम राइट देंगे कंट्रोल का?
हम उसे राइट नहीं देंगे कंट्रोलिंग करने का। बात समझ आया एमटीएससी का। फिर आगे बढ़े हम, कौन सा आ गया एस आर आर, और एस एस आर में क्या आता है सोर्सेस, अभी पीछे पढ़ा दिया सोर्सेस क्या है। आर मतलब राइट टू रिटर्न, रिटर्न के लिए सबसे पहला राइट हम इसे नहीं देते, राइट हम उसको देते हैं जिसने हमारे पास लोन ले रखा है कि भाई तेरे पैसे जरूर वापसी करेंगे, टेंशन मत लियो। रिस्क बियरर, डिबेंचर पे रिस्क नहीं है क्योंकि उसको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। बात समझ आ गई भाई, सारा का सारा काम यहां से सेट कर दिया। अब ऑनर फंड के अंदर शेयर पड़ा था, तो ऑनर फंड के अंदर क्या क्या है इसके नीचे लिख देना, अलग हो गया ये डिफरेंस, यहां से आप घर पे पढ़ लेना, ग्रुप पे भेज देंगे। अब ऑनर फंड के अंदर लिखो आप लोग बड़े दिमाग से याद करते हुए कि सबसे पहले मैंने आपको शेयर पढ़ाया था, याद है। शेयर दो तरीके से लिखो, एक तो है इक्विटी और एक है प्रेफरेंस शेयर। कौन सा वाला भाई, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर लिखिए। एक हमने पढ़ लिया इक्विटी शेयर और एक हमने पढ़ लिया प्रेफरेंस शेयर। पेज नंबर 214, कौन सा वाला है? पेज नंबर 2144 पे डिफरेंस है, वो आपको इसमें लर्न करना है। तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों में हमें पेपर में क्या करके आना है। जिस तरीके से तुम्हारे चेहरे मुरझा चुके हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा जोश ले आओ, बिल्कुल चेहरे मुरझा चुके हैं। इसका मतलब क्या था, एमटीएससी एसआरआर, एमटीएससी एसआरआर, दो चार बार याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। मैं ट्यूशन से चला गया, मैं ट्यूशन से चला गया एसआरआर मूवी देख, मैं ट्यूशन से चला गया तो याद हो गया, मैं ट्यूशन से चला गया एसआरआर देख, आरआरआर नहीं है एसआरआर देख, मैं ट्यूशन से चला गया एसआरआर देख। ट्रिक आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो बेटा। हाँ देखो बंगमान अभी कहाँ आ रहा है इसमें, अरे भैया मैं ट्यूशन से चला गया आरआरआर नहीं एसआरआर देख लो, तो अंदर भी याद करना, मीनिंग है, टाइम है, सिक्योरिटी है, कंट्रोल है, जी तो मौज ले रहा है क्या, मैं ट्यूशन से पंगवा नहीं चला गया जी, लड़का ठीक नहीं है भैया। उसके बाद इसका जो डिफरेंस है वो पेज नंबर कौन से पर है, पेज नंबर 214 पर है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, सही है। एफ डी वी ए, एफ डी वी ए आर आर आर, एफ डी वी ए ट्रिपल आर इस मामले में, ट्रिपल आर इस मामले में जी लड़के बहुत अच्छा है। मैं ट्यूशन से चला गया एस आर आर देख ले, एक डिफरेंस याद हो गया, हो गया, बहुत याद करोगे चार पांच बार हो जाएगा यार। हम यहाँ पे करना है एफ डी एफ डी वी ए आर आर आर, फिल्म देखने भैया बस फिर से दोबारा वहीं पर वहीं आना है, फिर से दोबारा वहीं आना है, आर आर देख वाली आई आर आर, सही बात भैया, फिल्म देख देखने वाली आई आर आर आर, वाली ही क्यों आई, वाला क्यों ना आया भैया, हाँ वाला आया आर आर आर, चलो चलो तो देख ले रहे ज्यादा मन बोले। ये वैसे इस लड़के ने सही बनाई है ट्रिक, फिल्म देख के वहां आ गया आर आर आर, भैया आ गया आ गई और आने और वाली जी लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है भैया। एफ एफ डी एफ डी, एफ मतलब फेस वैल्यू, मैंने बताया भी था तुम्हें शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है इक्विटी की ₹10 और प्रेफरेंस शेयर की ₹100, तो एफ मतलब है फेस वैल्यू, डी मतलब डिविडेंड, क्या बोला डिविडेंड, इक्विटी शेयर को अनलिमिटेड डिविडेंड है लेकिन प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड, ये फर्क होता है इसमें। वोटिंग राइट क्या आया, वोटिंग राइट, वोटिंग सीए क्वेश्चन में आने वाला है, प्रेफरेंस शेयर को नो वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर है ना वोटिंग राइट, जरूर पूछता है ये, नो वोटिंग राइट ठीक है। चलो वोटिंग राइट अभी घर जाके जी इतना ही पढ़ लें तो ये पीछे रह जाएंगे, कोई पढ़ते नहीं ना, भैया टूजन का हमारे लगा पे टूज में पढ़ते हैं
मिल जाएगा तो मस्ती करनी है, परसों फिर भूल जाएंगे, परसों फिर भूल जाएंगे। ये मतलब क्या है? अट्रैक्शन, सही है। तो अट्रैक्शन जो रहता है इस पे वही लोग जाते हैं जो बोल्ड हो, जो मतलब रिस्क बियर करने वाले हो, अरे होगा घाटा देखा जाएगा, कमा भी तो सकता हूँ। वो मूवी देखी है, उसमें पूछता है वहां से वापसी आने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि 1% इज अ हाई परसेंटेज सर, मैं फिर भी मैं जाना चाहूंगा। आमिर उसमें वो है अक्षय कुमार, और उसमें वो जाता है वो उठाने वहां पे सऊदी जाता है, तो उसमें कहता है द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग चांसेस 1%। मैं तो सर 0.0 चला जाऊं एयर लिफ्ट में, भूल गया ना मूवी। चलो एफ डी वी ए आर 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 देख लो अब आप लोग, देखेंगे भैया आर आर तो अच्छी चीज है। और मतलब रिस्क, फिर है रिफंड ऑफ कैपिटल, क्या है रिफंड ऑफ कैपिटल, और फिर आर मतलब क्या है रिडेम्पशन, क्या आती है आर माने रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब पेमेंट होता है। वेरी गुड बेटा, क्या होता है पेमेंट आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर, आपको वो पैसा मिलेगा ना, तो वो किस रेट पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके अंदर वो बात आती है। बस अब बेटा ज्यादा कुछ तो इसमें बचा है नहीं, ठीक है, तो बंद कर दो अब इसमें।